संसद की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले क्या सिर्फ यही सात आरोपी हैं जो पुलिस के शिकंजे में हैं, या असली मास्टरमाइंड कोई और है? क्या किसी और ने पर्दे के पीछे से मोदी सरकार को बदनाम करने की साजिश रची है? जिसने भी स्मोक अटैक वाला प्लान बनाया उसका बचना मुश्किल है, क्योंकि मोदी ने गारंटी दी है कि साजिश की पूरी पड़ताल होगी। संसद को धुआं धुआं करने वाला प्लान डीकोड होगा, और जो भी देश की संसद की पवित्रता भंग करने के लिए जिम्मेदार है उसे उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। उधर विपक्ष संसद की सुरक्षा पर राजनीति कर रहा है, लेकिन विपक्ष जिस मुद्दे के सहारे 2024 की सियासत को चमकाना चाहता है, आज उसे कैसे मोदी के एक शब्द ने नाकाम कर दिया, देखिए इस रिपोर्ट में। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले आरोपियों के निशाने पर पीएम मोदी थे। संसद में स्मोक अटैक के बहाने अब विपक्ष के निशाने पर पीएम मोदी हैं। लेकिन मोदी ने कह दिया है कि हमलावरों के मंसूबे की जांच होगी, सिक्योरिटी ब्रीच के असली मास्टरमाइंड की पड़ताल होगी। मोदी संसद की सुरक्षा में चूक की गहराई से जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष सियासी माइलेज हासिल करने में जुटा है। मोदी को देश की चिंता है, लेकिन विपक्ष की नजर सिर्फ 2024 के चुनाव पर है। 13 दिसंबर को संसद में जो कुछ हुआ उस पर विपक्ष लगातार सियासत कर रहा है, लेकिन आज एक अखबार को दिए इंटरव्यू में मोदी ने विपक्ष के हर आरोप का जवाब दिया। विपक्ष को नसीहत देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, संसद में जो घटना हुई उसकी गंभीरता को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। स्पीकर ओम बिरला गंभीरता के साथ इस मामले को लेकर सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं। जांच एजेंसियों की तरफ से भी इस मामले की सख्ती से जांच की जा रही है। इसके पीछे कौन से तत्व शामिल हैं इसकी भी गहराई में जाना जरूरी है। एक साथ आकर समाधान ढूंढना होगा। ऐसे विषयों पर वाद विवाद या प्रतिरोध से सभी को बचना चाहिए। पीएम मोदी के बयान को राहुल गांधी के उन आरोपों का जवाब भी माना जा रहा है, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सेंधमारी का सबसे बड़ा कारण महंगाई और बेरोजगारी को बताया था। राहुल गांधी ने कहा था, संसद की सुरक्षा में चूक तो हुई है, लेकिन उसके पीछे मोदी जी की पॉलिसीज है, क्योंकि देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल। सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। संसद की सुरक्षा के मामले में स्पीकर ओम बिरला ने सभी सांसदों को खत लिखा है। स्पीकर ने बताया कि उन 14 सांसदों पर क्यों कार्रवाई की गई है। ओम बिरला ने चिट्ठी में लिखा कि सांसदों का निलंबन सदन की पवित्रता बनाए रखने के लिए किया गया है, इसे संसद की सुरक्षा चूक से न जोड़े। साथ ही उन्होंने बताया कि संसद में ऐसी घटना पहली बार नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि साल 1970 से लेकर 1998 तक करीब 16 बार ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। अब आपको बताते हैं कि संसद में सेंधमारी की घटना इससे पहले कब कब हुई है। संसद में सेंधमारी की घटना साल 1972 में हुई थी, जब राजकुमार जैन और योगेश्वर नंदगिरी नाम के विजिटर ने पब्लिक गैलरी से नारे लगाए थे। 1972 में ही सिपाही राय और राम जन्म सिंह ने पब्लिक गैलरी से नारे लगाए थे और पंफलेट फेंके थे। 1974 में रतन चंद्र गुप्ता ने दो पिस्टल और एक बम जैसी चीज लेकर दर्शक दीर्घा में घुसने की कोशिश की और नारे लगाए। इस मामले में सदन ने उन्हें एक महीने की जेल की सजा दी थी। 1975 में पेमा वांग्याल और वेन एन सी ग्यात्सो ने पब्लिक गैलरी से नारे लगाए और पर्चे फेंके थे। वहीं 1978 में शैलेंद्र कुमार मिश्र, 1978 में ही राधेश्याम वर्मा और रामकुमार शर्मा ने भी पब्लिक गैलरी से नारे लगाए। 1980 में चार लोगों ने पब्लिक गैलरी से लीफलेट फेंके, तो 1983 में शहीद भगत सिंह की बहन
बीबी अमर कौर ने पैम्फलेट फेंका। 1983 में राम स्वरूप ने नारे लगाए और कागज फेंके। 1991 में तो बद्री प्रसाद, 1994 में प्रेमपाल सिंह सम्राट पब्लिक गैलरी से लोकसभा के चैंबर में कूद गए। 1996 में हंस दत्त जोशी, 1997 में गणेश ने पब्लिक गैलरी के अंदर से नारे लगाए, जबकि 1998 में पूर्व सांसद लवली आनंद विशिष्ट दर्शक दीर्घाकर्ष से नारे लगा चुकी है। तो 1998 में दो लोगों ने पब्लिक गैलरी में नारे लगाए और लीफलेट फेंके। यानी ज्यादातर बार संसद की सुरक्षा में चूक हुई तो कांग्रेस की ही सरकार थी। इसके बावजूद राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के दूसरे नेता संसद पर सियासत कर रहे हैं। भारत के संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री जी उनकी मंत्रिपरिषद आर्टिकल 75 के अनुसार सामूहिक रूप से उत्तरदायी है भारत की संसद के प्रति। और मोदी जी क्या कहां बोल रहे हैं, किसी अखबार के इंटरव्यू में। अरे जब आप मानते हैं कि गंभीर है, बड़ा मुद्दा है, तो सदन में आके आप क्यों नहीं बोलते? जिन पर ये हमला हुआ फेल्योर तो आपकी सरकार का है। और प्रधानमंत्री जी, गृहमंत्री जी, जिन पर हमला हुआ था उन सांसदों को नहीं संबोधित करेंगे, संबोधित करेंगे कोई चैनल में, कोई अखबार में। ये तो अपमान है संविधान का। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात रखी है वो इस बात को स्पष्ट करता है कि भारत की सुरक्षा में कोई भी कहीं कोई चिंता की बात यदि आती है तो मोदी सरकार उस पर पूर्ण रूप से कार्य करती है और देखती है कि देश और मजबूत हो। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है किस प्रकार से जो विपक्ष के कई दल हैं और कई नेता हैं वो राजनीति करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है इस ऐसे विषय पे सबको एकजुट होकर एक स्वर में ऐसी शक्तियों के खिलाफ बोलना चाहिए जो भारत की संप्रभुता हो, भारत की सुरक्षा हो, भारत की संसद की बात हो, हर चीज में जिन जो प्रयास करते हैं कि वहां पर कोई प्रकार की दिक्कत आए। संसद की सुरक्षा पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी कांग्रेस पर बड़ा अटैक किया है। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लिखा, 9 जनवरी 1991 को उमेश चौधरी लोकसभा में कूदा, लोकसभा चलती रही, किसी ने लोकसभा अध्यक्ष से सवाल या इस्तीफा नहीं मांगा। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री का संसद से कोई लेना देना नहीं। 10 जनवरी 1991 बद्री प्रसाद और 11 जनवरी 1991 को पुष्पेंद्र चौहान दर्शक दीर्घा से लोकसभा में कूद गया, अध्यक्ष के आसन तक पहुंच गया, लोकसभा अध्यक्ष से कोई सवाल नहीं, कोई इस्तीफा नहीं। संसद की सुरक्षा लोकसभा सचिवालय का ही अधिकार है। कांग्रेस देश को गुमराह करना चाहती है, याददाश्त पर जोर डालिए, सभी बातों पर राजनीति अच्छी नहीं होती। पीएम मोदी ने संसद की सुरक्षा में चूक पर जवाब दे दिया, लेकिन कांग्रेस पूरे मामले में गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर अड़ी हुई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया, 13 दिसंबर को लोकसभा में घटना पर प्रधानमंत्री ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी है। उनका कहना है कि इस मामले पर बहस की नहीं, जांच की जरूरत है और जांच चल रही है। लेकिन 13 दिसंबर को जो हुआ और जिस तरह हुआ उसे लेकर इंडिया अलायंस की सभी पार्टियां गृह मंत्री के बयान की मांग कर रही हैं और ये मांग आगे भी जारी रहेगी। प्रधानमंत्री मामले में बहस से भाग रहे हैं। राहुल गांधी जी का संसद पर हुए घटना के ऊपर थोड़ा देर से बयान आया, अपने लोगों से बुलवा लिया तब ज्ञान बांचे। राहुल गांधी जी आप ही तो हैं जो कभी JNU जाकर के अफजल के बड़खी पर भी उसको समर्थन देते, टुकड़े टुकड़े गैंग को खड़ा करते, अब देश को अस्थिर करने के लिए, मोदी जी को बदनाम करने के लिए, जैसे किसान आंदोलन का सारा
परत दर परत खुला था। संसद पर हुए घटना में भी राहुल गांधी जी आपकी जुबान बंद हो जाएगी, आप टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े दिखेंगे आने वाले दिनों में। इस बिल्डिंग को आनन फानन में आपने तैयार किया बिना कई गंभीर मसलों को ध्यान में रखे हुए। हमें वो दिन भी स्मरण है, गुजरात से विमेन आई थी, मोदी मोदी हो रहा था, तब भी हमने आगाह किया था संसद को इस तरह की चीजों के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। कल को कोई मुर्दाबाद भी कह सकता है, वहां से कुछ फेंक सकता है, हो गया ना। तो मैं समझता हूं ना कि सुरक्षा को लेकर के जो दृष्टिकोण होना चाहिए उसका अभाव है। दिल्ली पुलिस समेत 6 एजेंसियां 13 दिसंबर की घटना की जांच कर रही हैं। जांच एजेंसियां ऐसे सूत्र तलाश रही हैं जिनके तार दूसरे देशों में छिपकर भारत विरोधी एजेंडा चलाने वालों या फिर दहशतगर्दों से भी जुड़े हो सकते हैं। संसद में सेंध लगाने वालों ने साजिश भी कुछ इस तरह रची थी, अगर वो पूरे तौर से जमीन पर उतर जाती तो देश के सिक्योरिटी सिस्टम के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती थी। वहीं दिल्ली पुलिस ने राजस्थान के नागौर से आरोपियों के मोबाइल के पार्ट्स बरामद किए हैं। ललित ने जिस तरह पहले सभी फोन तोड़े इसके बाद उसमें आग लगा दी, उससे साफ है कि ललित ने सोच समझ कर पूरी प्लानिंग के साथ फोन में आग लगाई जिससे पुलिस को सबूत मिल सके। हालांकि अभी तक ललित का फोन बरामद नहीं हुआ है। दिल्ली पुलिस को आरोपियों के कपड़े, जूते और कुछ कागजात भी मिले हैं जो घटना के वक्त उनके पास मौजूद थे। दिल्ली पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद अलग अलग जगह पर ले जाकर केस से जुड़े सबूत जुटा रही है। अब आरोपियों के मोबाइल के जले हुए पार्ट्स, कपड़े और जूते मिलने के बाद पुलिस लैब में इनकी जांच कराएगी जिससे ये पता चल सके कि आखिर मोबाइल में वो कौन सा सबूत था जिसकी वजह से ललित ने उसे जला दिया। 13 दिसंबर की घटना का मास्टरमाइंड माना जा रहा ललित झा दिल्ली से सीधा राजस्थान के नागौर भागा था। उसने वहां होटल में रात बिताई लेकिन जब उसे पता चला कि पुलिस उसकी तलाश कर रही है तो वो बस से दिल्ली पहुंचा और सरेंडर कर दिया। ललित के साथ महेश का एक साथी कैलाश कुमावत भी था जिसे दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया है। हालांकि महेश और कैलाश के परिवार वाले उन्हें निर्दोष बता रहे हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार निष्पक्ष जांच कराएगी तो सारा सच सामने आ जाएगा। संसद की सेंधमारी की साजिश के 5 हिस्से थे। 3 में तो आरोपियों को कामयाबी मिल गई लेकिन 2 प्लान फेल हो गए। आरोपियों ने संसद की सिक्योरिटी को चकमा दे दिया और जूते के भीतर स्मोक कैन छिपाकर संसद के भीतर पहुंचे। दोनों संसद की कार्यवाही भी बाधित करने में कामयाब रहे और संसद के भीतर स्मोक क्रैकर भी छोड़ दिया। इस साजिश का 3रा हिस्सा था संसद के बाहर नारेबाजी करने का। 2 लोगों ने संसद के भीतर हंगामा किया तो 2 लोग संसद के बाहर नारेबाजी करने में कामयाब हो गए। आरोपियों की साजिश का 4था हिस्सा काफी खतरनाक था। आरोपियों ने फायर प्रूफ जेल लगाकर संसद भवन में आत्मदाह की प्लानिंग तैयार कर रखी थी लेकिन जेल की ऑनलाइन पेमेंट न होने की वजह से उन्हें ये प्लान छोड़ना पड़ा। आरोपियों की मंशा सदन में पर्चा फेंकने की भी थी जिससे वो देश के सामने साजिशकर्ता की जगह क्रांतिकारी के तौर पर दिखे लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। फिलहाल पूरे मामले में सियासत के बीच एजेंसियां जांच में जुटी हैं। एक एक साजिश की पड़ताल हो रही है जिससे ये पता चल सके कि आरोपियों ने खुद से ये किया या पूरी वारदात के पीछे का मास्टरमाइंड कोई और है।